किसान भाइयों, आज आपको बताएंगे एक ऐसे टमाटर का वैरायटी के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा उत्पादन देता है, किसानों के लिए लोकप्रिय है और ये इतना ज़्यादा उत्पादन देने लगा है जो किसान इसे ही चाहते हैं, जो यही हम लें। लेकिन ये बीज उतना ज़्यादा मिलने के कारण आपको कहीं से भी नर्सरी या कहीं से आप खरीद के लाना पड़ेगा और ये बीज ही लगाना पड़ेगा। 3150 नाम होता है, जो सिंजेंटा कंपनी का ही आता है। सिंजेंटा ऐसे विदेशी कंपनी है जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इसी से किसान भाई ये देखते हैं जो ये कंपनी का ही बहुत अच्छा होगा और ये वहाँ से यहाँ आ गया है, तो इसका मतलब इसका बीज भी अब ऑनलाइन मिलने लगा है और इसका उत्पादन क्षमता इतना ज़्यादा है जो आप समझ जाइए 5 से 6 फीट फ्लावर प्लांट होता है, उसमें बहुत सारा फल बनता है। इतना ज़्यादा बनेगा जो आप खुश हो जाइएगा। हाई यील्ड वाला है ये, मतलब सबसे ज़्यादा ये होता है, देसी के तरह लगेगा, लगेगा देसी टमाटर है और बिकने में भी बहुत अच्छा हो जाता है और एट्रैक्टिव फ्रूट कलर होता है और इसका लार्ज डायमीटर प्लांट हो जाता है, मतलब बहुत थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण ये बहुत अच्छा दिखने में लगेगा और लगेगा जो टमाटर में ऊपर से लेके नीचे तक फरा हुआ लगेगा और इसका कलर पूरा रेड होगा, मतलब एक फल का देखिएगा पूरा रेड एकदम लाल सुर्ख में आता है और इसका मैच्योरिटी आपका प्लांट फरना स्टार्ट कर देगा 60 से 65 दिन में और इसका 70 से 90 ग्राम तक का फ्रूट साइज होगा, जो कि बिकने में भी बहुत आसानी होगा। और जैसे ही बात करें इसे लगाने के, कौन कौन से राज्य में लगा सकते हैं, खरीफ में आप सभी राज्य में भी लगा सकते हैं और रबी के बाद करें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे भी आप सोच रहे हैं, मतलब जहाँ बर्फ नहीं गिरता हो ज़्यादा वहाँ लगा सकते हैं। ये तीनों सीज़न में आप लगा सकते हैं। तीनों सीज़न वाला बहुत कम मिलता है क्योंकि जैसे ही गर्मी का मौसम बढ़ेगा वैसे ही ये सब प्लांट लगाना बहुत इतना आसान नहीं हो पाएगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो टमाटर मिलना ही आसान नहीं रहता है और उस समय ये आपको मिल जाएगा। और इसे लगाने के लिए आपको इसका बीज 10 ग्राम आपको 450 या 60 में कोई भी ऑनलाइन साइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिए और मंगवा लीजिए। उसके बाद उसे अच्छी तरह से गिरा दीजिए और गिरा के बेड बना के, और अगर आप कोकोपीट वर्मीकोलाइट करके उसे गिरा रहे हैं ये प्रोट्रे में तो वो भी बहुत अच्छा होगा और प्रोट्रे में ही एक एक सीड का आपका जर्मिनेशन पता चल जाएगा और जिग जग लाइन पर आप गिराइए, वैसे करके भी गिरा सकते हैं और इसे डंडी के सहारे ऊपर आप लटका दीजिए और ऊपर में ये चला जाएगा, गाछ बन जाएगा। वैसा भी कर सकते हैं, जैसे आपका इच्छा हो वैसा कर सकते हैं और जैसे ही आप लगाइएगा इसे डंटी के सहारे ऊपर लतरा दीजिएगा और नीचे तक देखिएगा फरते रहेगा, ऐसा भी होता है। और अगर बांस बल्ली के सहारे, और इसे जुताई करना होगा, लंबी जुताई कर देना होगा और गहरी जुताई करके इसे क्यारी विधि द्वारा लगाइएगा तो बहुत आसानी से लग जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर इतना देर अगर रुक गए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो मैं बार बार लाता हूँ।